सीरियल काव्य की कहानी में ओमी एमएलए ना मर जाए, उसे मारने लगे थे, मर भी गया वो। और अब यहाँ पर अधिराज को पूरी तरीके से अम्मा और अनुराग ने ऐसे टारगेट बनाया कि बेचारा मोलेस्टेशन के इल्ज़ाम में फंसा है। लेकिन अम्मा जी की सारी चाल से यहाँ पर जो है आप सभी की काव्य रूबरू है, मीडिया के सामने उन्होंने ज़्यादा कुछ सफाई दी नहीं। लेकिन अब नलिनी को पैसे देकर अधिराज के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया, ये वीडियो यहाँ पर काव्या को अधिराज के खिलाफ नहीं बल्कि उसके फेवर में यूज़ करने को मिल जाएगी। और इन सब में उनका साथ संजीव देने वाला है। जी हाँ, पहली सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। और ऐसे में यहाँ पर अभी तक अनुराग और अम्मा हमेशा से ही अधिराज के खिलाफ प्लान करते रहे, उन्हें बर्बाद करते नजर आए। लेकिन फाइनली काव्या संजीव के साथ मिलकर सारी सच्चाई एक्सपोज करेगी कि अम्मा ने ही यहाँ पर ओमी को मरवाया और अब अधिराज को बर्बाद करके अनुराग को एमएलए की कुर्सी दिलवाना चाहते हैं। यानी कि इस पूरे मामले के बाद फाइनली यहाँ पर अधिराज को अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो काव्या से अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते नजर आएगा। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना मिस मत।